आज से भारत में सब कुछ बदल गया है। आज 25 मार्च से देश के लिए 21 दिन की लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, जिसकी अनदेखी भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करके घरों के अंदर रहने का फरमान जारी कर दिया है। पीएम के बयान के बाद शहर शहर लोगों की भीड़ जरूरी सामान के लिए उमड़ रही है। 21 दिन के लॉकडाउन में जरूरी चीजों पर सरकार के वादे का असर दिखना अभी बाकी है। तो वहीं कोरोना से बीमार लोगों का आंकड़ा 560 तक पहुंच गया है और 11 लोगों की अब तक मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना की वजह से पहली मौत, जिसमें 54 वर्ष के व्यक्ति की जान गई है। कुल मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। 5 नए मामले मध्य प्रदेश में, जिनकी पुष्टि हुई है, ये इस वक्त नई जानकारी मिल रही है। हालांकि कोरोना से पीड़ित 46 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अभी देश में महाराष्ट्र, जहां पर 107 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि कर्फ्यू के हालात महाराष्ट्र में पहले से ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने बीती रात जो संबोधन दिया, उसके बाद देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, घोषणा की गई है। 21 दिन यानी 3 सप्ताह। और इस बीच ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने भी ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। 21 दिन की इस अवधि के बाद अगला क्या कदम होगा वो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन बाजार में जरूरी सामान की कमी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन सरकार के सभी मंत्री दिला रहे हैं। 11 बजे मुख्यमंत्री और एलजी की भी एक अहम बैठक होनी है। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, लिहाजा कुछ नए फैसले या प्रधानमंत्री ने जो 21 दिन का लॉकडाउन अनाउंस किया है उसके मद्देनजर क्या व्यवस्था की जाएगी, जरूरी सामान की कमी ना हो, कितने घंटों के लिए बाजार खुलेंगे, क्या हो सकता है, इसे लेकर तस्वीर जरूर इसमें सामने आ सकती है। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। बीती रात से आज सुबह तक देश ने वो महसूस किया जो नई पीढ़ी के लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। 21 दिन तक घर में बंद रहने का फरमान जारी होते ही लोग बाजार की तरफ दौड़े। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। और इस बीच ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पैनिक बाइंग दिखाई दी, यानी डर की वजह से लोग फौरन पहुंचे हैं स्टोर्स की तरफ सामान खरीदने के लिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लंबी लड़ाई की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि कल रात से यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन होगा, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे उनको जाने नहीं दिया जाएगा। बाकायदे नोएडा बॉर्डर पर पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है और चेकिंग करने के बाद ही सभी लोगों को जाने दिया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि लोग इस तरीके से अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनको जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस उन्हीं लोगों को जाने दे रही है जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, यानी कि आवश्यक वस्तुएं
लेकर के वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी तरीके से किस परेशानी ना हो इस बात को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें कि सड़कों पर आज बहुत कम ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कल रात से संपूर्ण लॉकडाउन की जो बात कही गई है उसका पालन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नोएडा बॉर्डर पर एक दो दिन पहले की जो स्थिति थी उससे काफी इतर यहां पर लोकेशन दिखाई पड़ रही है, यानी यहां लोगों की जो संख्या है वो पहले से काफी कम है। लेकिन लोगों को ये ध्यान देना होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों से आह्वान किया है कि वो अपने घरों से ना निकलें, घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दें, वही लोग निकलें जो आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, किसी तरीके की पैनिक ना करें, इस तरीके की बात प्रधानमंत्री ने भी कही है। और पुलिस यहां पूरा वेरिफिकेशन करवाने के बाद ही लोगों को जाने देती है, यानी कि उनका पूरा डॉक्यूमेंट, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या किसी तरीके का इसेंशियल सर्विस वो पहुंचाने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए उनको छानबीन करने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के लोग अपने घरों में रहें, इस बात का आह्वान जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किया है उसी तरीके का अक्षरशः पालन यहां पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर करवाया जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। आज से 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस लॉकडाउन की क्या स्थिति है हम आपको इस वक्त लखनऊ में दिखाते हैं। ये देखिए लखनऊ का के चौराहे हैं जहां आपको पुलिस वाले नाके पर मिलेंगे, लोगों को रोकते देखते पूछते ये पुलिस वाले आपको हर जगह दिखाई देंगे। लॉकडाउन लगभग कंप्लीट इस वक्त दिखाई दे रहा है, हालांकि सुबह का वक्त है जब ज्यादातर लोग अपनी जरूरी सामानों को लेने के लिए निकलते हैं, और जो दुकानें हैं वो इस वक्त तमाम बंद है। डेजर्टेड लुक है पूरे इस लखनऊ शहर का, जहां सुबह सुबह इस जगह पर सैकड़ों मजदूरों की भीड़ होती थी जो मजदूरी करते थे। ये तमाम दुकानें हैं जो सुबह से खुली होती हैं ताकि जो जरूरी के सामान हैं, जहां खाने पीने की सामान है, वो तमाम चीज़ें मिल सकें। लेकिन लखनऊ के पत्रकारपुरम चौराहे के पास की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इक्के दुक्के लोग कहीं दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल ज़रूर खुले हैं जहां कुछ लोग नज़र आएंगे। इसके बाद ये पेट्रोल पंप हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेट्रोल पंप खुला हुआ है लेकिन गाड़ियां नहीं है, इसलिए ऐसे में पेट्रोल पंप भी सुने हैं। लेकिन जो बाकी पूरी सड़क है, बाकी जो दुकानें हैं, वो सब की सब बंद हैं। मोटरसाइकिल से लोग जरूर दिख रहे हैं, हो सकता है कि लोग अपनी जरूरी चीजों को खरीदने के लिए निकल रहे हों, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजों के अलावा जो जितनी दुकानें हैं, तमाम जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हैं, इस वक्त बंद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, इस वक्त ज्यादातर लोग दूध, अंडे, ब्रेड ऐसी चीजों के लिए निकलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद कि अगले 21 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, उसका असर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मानकर चलना पड़ेगा कि जो हालात हैं वो बेहद मुश्किल भरे दौर होंगे। सरकार ने अपनी तरफ से जरूर ये कहा है कि कमी नहीं होने दी जाएगी, 10,000 गाड़ियां लोगों तक पहुंचेंगी, सामान पहुंचाएंगी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो जरूरी चीजें हैं उनकी दुकानें खुली रहनी चाहिए। सरकार का कहना है कि आवश्यक चीजों की सप्लाई होती रहेगी, लेकिन शुरुआती मुश्किलें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दिल्ली और लखनऊ का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से ही पैनिक बाइंग की स्थिति भी देर रात दिखाई दी। लेकिन बहुत जरूरी है इस वक्त जो एहतियात बरतने के लिए कही जा रही है उसका अनुसरण करना। आइए अब आपको दिखाते हैं पटना में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद किस तरह के हालात हैं। रोहित कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से ही 21 दिनों के लॉकआउट का आह्वान किया है। पूरे देश में ये लॉकआउट जो है वो लागू हो चुका है रात्रि 12 बजे से, और सुबह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखला रहे हैं पटना की। पटना के डाक बंगलों चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से यहाँ सख्ती से लागू कराया जा रहा है। बहुत कम आपको इतना दुखता वाहन ही है जो आपको सड़क पर इस वक्त दिख रहे हैं, वरना पुलिस जो है वो इस लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने के लिए लगी हुई है। दुकानें आप देख लीजिए,
दुकानें जो हैं पूरी तरीके से बंद हैं। हालांकि जो एसेंशियल सर्विसेज में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि राशन की दुकान हो, दवा की दुकान हो, वो खुलेंगी, लेकिन इसके अलावा तमाम जो अन्य दुकान हैं वो सभी बंद रहेंगे। तो कोरोना से जंग जीतने के लिए 21 दिनों के लॉकआउट का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, पूरे देश से कहा है कि ये 21 दिन अगर हम नहीं जीत पाए तो देश 21 साल पीछे जा सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजधानी पटना में भी जो लोग हैं वो यहाँ पर इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना। कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री ने 21 दिन की देशबंदी का ऐलान कर दिया है, मतलब पूरे 3 हफ्ते तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दफ्तर, बाजार, सार्वजनिक परिवहन सब कुछ बंद है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि इन 21 दिनों तक इस देश में कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, केवल जीवन रक्षक सेवाएं ही इस दौरान जारी रहेंगी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना को मात देगा हिंदुस्तान। इक्कीस दिन देश में संपूर्ण लॉकडाउन। सब कुछ बंद रखने का फरमान। कोरोना को हिंदुस्तान की धरती पर धूल चटाने की रणनीति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला ले लिया। पूरे देश में रात 12 बजे आदेश लागू हो गया। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। 3 हफ्ते की इस देशबंदी की भूमिका पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही बना दी थी। जनता कर्फ्यू दरअसल इसी की तैयारी थी। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है, लिहाजा पीएम ने साफ शब्दों में इससे होने वाली तबाही और बर्बादी की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। चेतावनी दी कि अगर इस बंदी को नहीं माना गया तो बर्बादी तय है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। पीएम मोदी का इतना कहना था कि देश की धड़कनें बढ़ गईं, लोगों में खौफ फैल गया, राशन की दुकानों में भीड़ बढ़ गई। लेकिन ये समझना चाहिए कि इस बंदी के दौरान लोगों को सिर्फ अपने घरों में रहना है। सरकार ने जरूरी सामानों पर कोई रोक नहीं लगाई है। सबसे पहले ये समझिए कि अगले 21 दिनों तक क्या क्या बंद रहेगा। पहला, सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रेल, हवाई और रोडवेज की सेवा नहीं मिलेगी। मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट और दुकानें बंद रहेंगी। होटल, मोटल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी स्कूल कॉलेज पर ताला रहेगा। सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। लेकिन इस बंद के दौरान आवश्यक सेवा को मुक्त रखा गया है, यानी सब्जी, राशन, दवा, फल की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर और एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, गैस रिटेल खुले रहेंगे। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे।
इंटरनेट ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस जारी रहेगी। टेलीकॉम सर्विसेज को मोबाइल सर्विसेज को आवश्यक सेवा माना जाए ताकि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें। यानी घबराने की जरूरत नहीं है, बंद का फैसला लोगों को सुरक्षित रखने का सबसे कारगर उपाय है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन से ही कोरोना को हराने की कोशिश जारी है। अब तक 44 देशों में आबादी को घरों में रखा जा रहा है, अब इस लिस्ट में हिंदुस्तान भी शामिल है। सरकार सिर्फ लोगों से घरों पर रहने के लिए कह रही है, कोरोना को मात देने के लिए ये वक्त की मांग है, ये देश का सवाल है, ये देश के आम लोगों की सेहत का सवाल है। आज तक कोरोना से लड़ने में प्रधानमंत्री ने 21 दिन की देशबंदी का ऐलान कर दिया, यानी 3 हफ्ते तक आप ना तो दफ्तर जा सकते हैं, ना घरों से निकल सकते हैं, ना कोई ट्रेन चलेगी, ना विमान उड़ेंगे, ना दुकानें खुलेंगी और ना ही दूसरी सेवाएं मिलेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन 21 दिन तक देश में कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, सिर्फ जीवन रक्षक सेवाएं जो आपके लिए जरूरी हैं वो सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पीएम मोदी का इतना कहना था कि पूरे देश की धड़कनें थम गई। हालांकि इसके बारे में दबी जुबान में बातें हो रही थी, लेकिन मोदी आगे जो कहने वाले थे उससे सुनने के बाद सब स्तब्ध थे। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 33 राज्यों में तो लॉकडाउन था ही, 5 राज्यों में कर्फ्यू भी था, लेकिन ये लॉकडाउन नाकाफी साबित हो रहे थे। इसलिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसमें हर आदमी की हद तय कर दी गई है, उसके घर का दरवाजा। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है, जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त, कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि इस देशबंदी की अपनी आर्थिक कीमत होगी, लेकिन हम इस कीमत को चुकाने से भाग नहीं सकते। लोग सोच रहे थे कि ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन का होगा, लेकिन पीएम मोदी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा ये कम से कम 21 दिन का होने जा रहा है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे, अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा।
तीन हफ्ते की इस देशबंदी की भूमिका पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही बना दी थी और जनता कर्फ्यू इसी की तैयारी थी। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूँ। और केवल 5 दिन में दूसरी बार जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए तो 21 दिन की देशबंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमने इस देशबंदी को नहीं माना तो भारत को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। कोरोना के खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने बिना किसी भूमिका के कहा कि अगर आप वाकई अपनी, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, अपने परिवार की, अपने देश की फिक्र करते हैं तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि 21 दिन के लिए देश को ठप कर दिया जाए। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पीएम मोदी ने बार बार अलग अलग तरीके से ये बात कही कि 21 दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान को अपनी दुनिया अपने अपने घरों तक समेट लेनी होगी। बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे, घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। ये कहते हुए प्रधानमंत्री एक साथ उम्मीदों और आशंकाओं से घिरे हुए थे। जाहिर है यह भारतीय इतिहास की सबसे व्यापक देशबंदी है। आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। आपको यह याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। अब फैसला आपके हाथ में, आप क्या चुनते हैं? आज तक गर्म। आखिर क्यों इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा, ये अचानक नहीं हुआ। पीएम मोदी ने अपने पिछले संबोधन में ही इसका इशारा कर दिया था और पिछले 2 महीने में बदली दुनिया की परिस्थितियों के सबक ने इसके लिए उन्हें मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि जब अमेरिका और इटली कोरोना का मुकाबला नहीं कर सके तो हमारा सवाल ही नहीं। कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है।
प्रधानमंत्री ये कहते हुए बेहद गंभीर और चिंतित थे। उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होने जा रहा है, इसके रास्ते में भारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन कोरोना नाम के वायरस ने पूरी दुनिया के सामने जो संकट खड़ा कर दिया है उससे लड़ने का यही एकमात्र रास्ता बचा था। अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। ऐसे में आयुष्मान योजना के दम पर अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को ढो रहे भारत के सामने हालात कल्पना से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं, वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वो तथ्य रखने शुरू किए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जमा किए आंकड़ों से निकले हैं कि कोरोना पूरी दुनिया में कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे, यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए। इसके बाद तो ये संभले नहीं संभला और देश कोरोना के आगे धराशायी होते चले गए। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया का कोई भी देश कोरोना से पैदा हुई स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं था। इस वायरस का जाल इतनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता है जिसके सामने दुनिया की महाशक्तियां भी ताश के पत्ते की तरह बिखरती चली गई। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। और ये भी याद रखिए, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्थ्य सेवा, उनके हॉस्पिटल, उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है,
उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। मतलब किसी भी सूरत में अगले 21 दिन तक देश में पत्ता भी नहीं हिलने वाला, सिवाय उन जरूरी सेवाओं के जिनके बिना जिया नहीं जा सकता। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पन्थाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। तो कमर कस लीजिए, 21 दिन की देशबंदी में आप क्या करने वाले हैं? कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, पेंटिंग कीजिए, अपने परिवार को खूब वक्त दीजिए और वो छूटे हुए शौक पूरे कीजिए जो किन्हीं कारणों से आप बरसों से टालते आ रहे थे। आज तक ब्यूरो। देशबंदी तो हो गई, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा भी, इससे आर्थिक हालात और बिगड़ेंगे, गरीब लोगों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी राहत पैकेज का ऐलान करेंगी, खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए इसकी सख्त जरूरत भी है, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे आगे टाल दिया। उन्होंने जो उपाय बताए हैं उससे गरीब आदमी को कोई राहत नहीं मिलने वाली। कोरोना से लड़ने के लिए जारी लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की है। लाखों दफ्तरों पर ताला पड़ गया है, स्टोर बंद पड़े हैं, सिनेमा हॉल ठप हो गए हैं, फिल्मों की शूटिंग ठप पड़ी है, कारखानों में उत्पादन ठप है और असंगठित क्षेत्र के लगभग 12 करोड़ लोगों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति रोज बिगड़ती जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है। As you all know, work is going on. I did mention this in my tweet announcing the press conference that work is going on and we are very close to coming up with an economic package which will be announced sooner rather than later. कोरोना से पैदा हुई अर्थव्यवस्था की मुश्किलों से लड़ने के लिए टास्क फोर्स बने 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है कि वो कितना रुपया खर्च करने जा रही है, लोगों को सीधी राहत कब मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐलान जरूर किए, लेकिन उन्होंने अभी तक मदद को टैक्स और जुर्माना भरने में छूट तक सीमित रखा है। संकट से जूझ रहे लोगों के लिए उन्होंने 7 तरह की राहतों का ऐलान किया। गौर कीजिए, 1, TDS में देरी से पेमेंट करने पर लगने वाला ब्याज 18% से घटाकर 9% कर दिया। 2, पिछले साल का इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है। 3, ITR से आधार और पैन लिंक कराने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है। 4, 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर कंपनियों को लेट GST फाइलिंग पर जुर्माना नहीं भरना है। 5, आपको किसी भी बैंक के कार्ड से ATM से पैसे निकालने पर अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। 6, हर तरह के बचत खाते में न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखने की मजबूरी भी खत्म कर दी गई है। और 7, 1 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों पर दिवालिया प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी। जो इससे 5 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करने वाले, कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए पहले 15 दिन में कोई ब्याज
या कोई फिर लेट फीस नहीं लगाई जाएगी या फिर कोई ऐसी दंड नहीं पेनल्टी नहीं दी जाए लगाई जाएगी जिससे कि उसको नुकसान हो, लेकिन 15 दिन उपरांत अगर लेट फीस भी होगी या दंड या पेनल्टी जिसको हम कहते हैं वो लगाई जाएगी और ब्याज लगाया जाएगा तो वो भी मात्र 9% लगाया जाएगा। कोरोना वायरस फैलने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती में जा चुकी थी, लेकिन कोरोना फैलने से अब इसके मंदी की ओर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लॉकडाउन और 5 राज्यों में कर्फ्यू ने औद्योगिक गतिविधियों को लगभग ठप कर दिया है। 33 राज्यों के 594 जिले तो पूरी तरह ठप पड़े हैं। नतीजा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 12 करोड़ लोगों के सामने भूखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। शेयर बाजार कुछ संभले जरूर, लेकिन आने वाले दिनों को लेकर निवेशकों का विश्वास बुरी तरह टूटा हुआ है। यही वजह है कि S&P ने भारत का GDP अनुमान 6.5% से घटाकर 5.2% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर तुरंत अर्थव्यवस्था में सरकार ने भारी रकम नहीं डाली तो स्थिति और बिगड़ेगी। आज तक ब्यूरो।